यीशु। आज 20 जनवरी को पवित्र कलीसिया संत फबियानुस का त्यौहार मना रही है। सन 236 में जब संत पापा अंत्रोस की मृत्यु हुई और नए पापा को चुनने की प्रक्रिया जारी थी, बहुत से लोग रोम आए थे। फबियानुस एक साधारण लोकधर्मी भी उसमें शामिल थे। अचानक एक कबूतर छत से निकलकर फबियानुस के सिर पर बैठ गया। लोगों ने उसे पवित्र आत्मा का प्रतीक मानकर फबियानुस को संत पापा घोषित किया। संत पापा के रूप में फबियानुस के शुरुआती वर्षों में शांति छाई हुई थी। सम्राट फिलिप कलीसिया के समर्थक थे, लेकिन फिलिप के बाद देसियुस सम्राट बने और क्रिश्चियों पर कठोर अत्याचार शुरू हुआ। सम्राट देसियुस ने क्रिश्चिय विश्वासियों को यीशु को त्यागने तथा मूर्ति पूजा करने को बाध्य किया। कई लोगों ने क्रिश्चिय धर्म को त्याग दिया, मगर संत पापा फबियानुस अपने विश्वास के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। सन 250 में वे शहीद हुए। उनके पार्थिव शरीर को कलिक्टस के अंतर्भूम समाधि क्षेत्र में रखा गया। आइए हम संत फबियानुस के समान क्रिस्ते विश्वास के लिए अपना तन और मन समर्पित करें। आमीन।